बैराड़ थाना क्षेत्र अंतर्गत नगर परिषद क्षेत्र के धोरिया रोड पर गुरुवार की दोपहर अचानक 3 बजे शॉर्ट सर्किट की वजह से एक फर्नीचर गोदाम में आग लग गई। गोदाम में से धुआं उठता देख पड़ोसियों ने आगजनी की सूचना गोदाम मालिक को दी, जिसके बाद मौके पर पहुंचे गोदाम मालिक ने पास ही खड़े पानी के टैंकर से पानी डालकर आग को बुझाया। सूचना मिलने के बाद मौके पर नगर परिषद की फायर ब्रिगेड भी पहुंच गई थी। आगजनी की इस घटना में फर्नीचर गोदाम में रखे कूलर, फ्रिज, सोफा सेट, सिंगारदान, डबल बेड, गद्दे आदि फर्नीचर का सामान जल गया। आगजनी की इस घटना में गोदाम मालिक जितेंद्र धाकड़ का करीब 4 लाख रुपए का नुकसान हो गया है। आगजनी की घटना से पीड़ित जितेंद्र धाकड़ ने बैराड़ थाना पहुंचकर आगजनी का मामला दर्ज कराया है। शिवपुरी से यूसुफ खान की रिपोर्ट। जितेंद्र धाकड़। तो ये जो दुकान में आग लगी है, कैसे लगी? तार गए ऊपर से टीन के, तो उसमें से शॉर्ट सर्किट हो गया। कितना नुकसान हुआ है आपको? करीब करीब 3.5 से 4 लाख रुपए की। कैसे लग गई थी ये लाख? शॉर्ट सर्किट से। तो आप लोगों को कैसे मालूम पड़ा? फोन किया था यहाँ आसपास वालों ने। किस किस सामान का नुकसान हुआ है इसमें? इसमें 20 ड्रेसिंग है और 15 कूलर और ये 3 बंडल गद्दा के, सोफा और क्या कहते हैं डबल बेड, सिंगल बेड, ऐसे बहुत सामान जल गया जी पड़ा। अनुमानित कितना नुकसान हुआ? लगभग 3.5 से 4 लाख रुपए के समथिंग। अभी इसकी सूचना किसी और को दी अभी तक? अभी कहीं नहीं दी। किसको दी अभी तक सूचना? अब देने वाले हैं थाने थाने पे। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकोन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।